송에서 목사님 교회 설교를 하게 하고 있습니다. और आज 10 साल बाद पास्टर यंगसंग मिन ने पास्टर किंग एस्टर को भेजा है कि जाकर ये पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान के लोगों को खुदा के लहू के बारे में और खुदा की अंजील के बारे में तबलीग दे सके. हालेलुया. 내가 양성님 목사님을 만난 것도 우연이 아니고 우리 파스터지를 만난 것도 그리고 설교하는 것도 결코 우연이 아닙니다. 이게 이트파크 नहीं है कि ये यहां पर आई है. इत्तफाकन नहीं बल्कि ये खुदा की एक मर्जी थी कि ये आपके सामने आए और पास्टर साहब के चर्च के सामने आए कि खुदा के लहू की तबलीग आपको दे सके. आमीन. आमीन. 내 나이 72세 된 내가 평생을 말씀을 듣고 연구하고 설교했지만 양성님 목사님은 성경의 탁월한 교사입니다. 아주 아까 एक बात बता दूं कि इनकी उम्र कम से कम 72 यानी कि 72 साल इनकी उम्र है और 72 साल की उम्र में भी देख ले अभी भी यंग है और ये 72 साल की उम्र में अभी भी खुदा की तबलीग कर रही हैं और ये जगह ब जगह जाती हैं पूरी दुनिया में कि खुदावन यीशु मसीह की मनादी कर सके और ये पास्टर यंग सुंग मिन के जो से वो उस्ताद भी हैं. 오늘 여러분은 말씀을 통해 폭발적인 하나님의 은혜가 임할 것입니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 우리가 예수 피공로이자여 주님 앞에 나왔습니다. 아이 함 छोटी सी एक दुआ करेंगे. सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे कि हम खुदावन खुदा तेरे सामने आज तेरे हुजूर खड़े हुए हैं. 우리 죄를 예수 피로 깨끗이 씻어 준 후에 감사드립니다. 그러니까 예수 씨의 खून के वसीला से हमारे गुनाह धुले हैं. 예수 피 말씀 속에 거하시는 주님을 만나기를 원합니다. और मैं आज खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं और यीशु मसीह के कलाम को अपने दिल में रखना चाहता हूं. 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 원합니다. और मैं अपनी सारी जिंदगी खुदावन खुदा के सुपुर्द करना चाहता हूं. 성부 성자 성령은 거룩하고 존귀하십니다. 그 예수 मसीह खुदा의 कादरे मुतलिक बाप और रूल कुदस एक काबिले एहतराम चीज है हमारे लिए. 예배 참석한 우리에게 영광을 받아 주옵소서. 그 예수 मसीह के नाम के वसीला से आजादी और निजात मिल सकती है. 예수 이름 안에 해방과 구원의 능력이 있습니다. 그러니까 मैं दुआ करता हूं कि यीशु मसीह के उस खूनी हाथों को जिनके कील लगे हुए थे उनके वो हाथ जो उनसे आज भी मौजाद करने की कुदरत रखते हैं. 피 묻은 손으로 기적을 베풀어 주시기를 기도합니다. 그러니까 मैं दुआ करता हूं कि खुदावन बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है वो ताकत रखता है कि सब बीमार शिफा पा सके. 병든 자들의 병을 고쳐 주시고 상한 심령을 치유해 주시기를 원합니다. 그러니까 예수 मसीह के खून में ताकत है कि वो बीमारों को दूर कर सके. 할렐루야. 할렐루야. 하나님의 말씀을 종이 입술에 담아 주기를 원합니다. और मैं चाहता हूं कि खुदा का कलाम आज आपके साथ जाए और आपके होंठों पर खुदा का कलाम हो. 태원의 영과 보혜사 진리의 영으로 함께 하기를 원합니다. मैं चाहता हूं कि जो नबूवत आज भी करें वो रूल कुदस की कुदरत से करें और रूल कुदस इनके साथ हो और आपके साथ भी हो. 하늘의 비밀인 생명의 말씀을 전할 때 역사여 주시기를 바랍니다. 그러니까 예 존스 아직 तबलीग करने आई है जिंदगी की तबलीग करने आई है खुदा की बादशाही की तबलीग करने आई है कि सब की आसमान तक रसाई हो सके. 그렇게 해줄 주님께 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 우리 몸에 सब कुछ यीशु मसीह के कादर जलाली और पाक पवित्र नाम से मांगती हूं. 아멘. 할렐루야. 이 장소에 예수의 피가 흘러들어갈지어다. 우리 예수 मसीह के वसीला से हमें निजात मिल सकती है. 한국에서 예수님의 흘리신 피를 전하라고 왔는데 또 우리 목사님을 만나게 돼서 대단히 감사합니다. और मैं पास्टर केंग एस्टर आपके सामने इस बात के लिए आई हूं कि यीशु मसीह के खून में कितनी ताकत है उस बात की तबलीग करने आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं. 할렐루야. 할렐루야. 대형 교통 사고로 인해서 빈깡통처럼 찌그러진 차 안에 꼼짝 못 하고 갇혀 있었습니다. मैं आपके सामने एक अपनी छोटी सी गवाही पेश करना चाहती हूं कि इनकी जिंदगी में खुदा कैसे आया था और इनकी जिंदगी में खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया था जो आज ये आपके सामने एक पेश करना चाहती हैं. 백가중과 등가족이 하나가 되고 오장육부가 파열돼서 기운이 빠져나는 혼미함 속에 있었습니다. 우리 인께 साथ एक हादसा पेश आया था कि इनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और इनकी कार इतनी टूट गई थी कि जैसे कोई टीन डब्बा टूट जाता है ऐसे टूट के बिखर गई थी और इनकी जो कार थी वो इसके अंदर ही उनके उसके अंदर ही मौजूद थी. 마귀는 지은 죄를 보여주고 너는 죄인이야 하면서 두려워 떨게 했습니다. 우리 인께 जो से इनका जो से कंतरियां थी ये भी फट गई थी इनके जो चमड़ी का गोश्त था ये भी उतर चुका था और उस वक्त शैतान इनके सामने आके खड़ा हो गया तो उसने कहा था कि तेरे गुनाह तेरे सामने आए हैं. 천사는 에스더야 네가 지은 죄는 예수님이 십자가에 피 흘려 용서해 주셨단다. 근데 उसी वक्त खुदा का फरिश्ता मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने कहा कि ए एस्तर घबरा ना क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर तेरी निजात दे दी है. हालेलुया. हालेलुया. 주님이 가르쳐 준 기도를 하라고 할 때 정신이 번뜩 차려졌습니다. 근데 제가 막 दुआ कर रही थी तो मुझसे दुआ नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा जो सा दिमाग था वो अपने काबू में नहीं था.
주기도문을 계속 생각하면서 빠져나갔는데 정신을 잃지 않으려고 몸부림을 쳤습니다. 119 구급차를 타고 병원으로 가는 중에 간호사가 아줌마 정신 차려 아줌마 정신 차려 잠들면 죽어 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 했습니다. 병원에 도착했을 때 의사는 피를 많이 흘려서 수술하다 죽을 수 있다고 말했습니다. 제가 호스피탈 पहुंची तो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था अगर इनका ऑपरेशन होगा तो ये मर जाएंगे कि इनका खून इतना बह चुका है. 남편이 책임지겠다고 사인하고 수술을 하게 되었습니다. 피를 수혈하면서 수술하는 도중에 내 몸의 피가 계속적으로 빠져나갔습니다. 내 몸으로 들어가는 피보다 몸 밖으로 빠져나온 피가 더 많아서 흐르는 피를 감당할 수가 없었습니다. 도크터인 거 खून लगा रहे थे लेकिन जो से इनका निकलने वाला खून था जो जख्मों से खून निकल रहा था वो रोका नहीं था जा रहा है. 수술하는 의사들이 가망이 없다는 속마음이 보여졌습니다. 어저 डॉक्टर था जो ऑपरेशन कर रहा था वो भी एक टाइम पर नाउमीद हो गया कि वो भी कह रहा था कि इन्होंने नहीं बचना है. 그때 이 세상에서 한 번도 맡아보지 못한 향기로운 피가 회리바람에 휘감겼습니다. और एकदम से मेरे सामने रोशनी आ गई और मैंने देखा कि एक खुशबू जो से मुझे स्मेल जो से मुझे आ रही है और हल्की हल्की तूफान की रोशनी चल रही है और जो से वो खुशबू मुझे आ रही थी वो मैंने कभी जिंदगी में पहले महसूस नहीं थी की हुई. 내 육체를 바라보면서 무언가 거부할 수 없는 것에 빨려 올라갔습니다. और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म से ऐसे जरूर निकलकर किसी ने खींच दी और आसमान की तरफ चले गई है. 도착한 그곳은 전국 황금길과 황금점이 많은 곳이 보여졌습니다. जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर सोने की सड़कें सुनहरी सड़कें